कैसा हो अगर आप लाख दो लाख का लोन लो और कोई अनजान आदमी उस लोन को चुका दे और बस आपको इतनी ही खबर हो कि आपका लोन चुका दिया गया है। जी मिजोरम में ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ की राजधानी आइजोल में बिजनेस करने वाले एक शख्स ने चार अलग अलग लोगों का करीब 10 लाख का लोन जो है चुका दिया और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उसने अपनी जो पहचान है उसको गुप्त रखा। क्या है ये पूरा मामला? 52 साल की एक महिला को ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने अपने इलाज के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 4 लाख का लोन लिया था। कोलकाता में इनका इलाज चल रहा था। इनके पति नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। बैंक के अधिकारियों के अनुसार पैसे दे पाने में वो सक्षम नहीं थी। ऐसे ही मुआना एल फनाई नाम के एक शख्स ने बैंक से 2.5 लाख रुपए का कर्ज लिया। उन्हें पोल्ट्री फार्म खोलना था लेकिन कोरोना के चलते इस वक्त उनको बिजनेस में काफी समस्याएं आ रही थीं और वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। ये दोनों लोग उन 4 शख्स में शामिल हैं जिनके कुल मिलाकर करीब 10 लाख रुपए का लोन चुका दिया गया है। हुआ यूं कि लोन चुकाने वाले शख्स ने बैंक अधिकारियों से बात की और कहा कि वो उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो कोरोना के दौर में अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं और इसके लिए अपनी संपत्ति गिरवी रख रहे हैं। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने इन 4 जरूरतमंद लोगों को चुना। इनमें से ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर रही महिला से जब संडे एक्सप्रेस ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे बैंक से कॉल आई, कोई शख्स है जो लोन चुकाना चाहते हैं। बैंक ने कई लोगों को चुना, एक लिस्ट बनाई और उनमें से मैं एक थी। आइजोल ब्रांच की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर शेरिल वनचंग ने कहा कि हम लोग इस शख्स को पिछले कुछ वक्त से जानते हैं। कुछ दिन पहले वो आए और हमें बताया कि वो ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें चुनकर बताएं तो उनका लोन भर देंगे। उन्होंने 10 लाख रुपए तक की मदद के लिए ही कहा था। इसके बाद बैंक ने 4 लोगों को चुना जो लॉकडाउन के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। चारों लोगों को अगले दिन बुलाया गया और जब वो पहुंचे तो उनसे सारे कागजात वगैरह उनको जो है वापस कर दिए गए। लेकिन ये सब उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद करना चाह रहे थे, उनसे मिलना चाहते थे। इन चारों लोगों के कहने पर बैंक ने उस व्यक्ति से बैंक आने के लिए अनुरोध किया पर उसने मना कर दिया। वाह, मतलब ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। दी ललन टॉक मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉक ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।